अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान वर्सेज इंग्लैंड के दरमियान कल चार मैचेस की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला खेले जाना है और इसी मुकाबले से पहले एक बार फिर से महकमे मौसमियात ने बारिशों की प्रेडिक्शन की है। आपको मैं बताना चाहूं, पहला मुकाबला भी बारिश की वजह से रद्द हो गया था। दूसरा मुकाबला इंग्लैंड ने पाकिस्तान को 23 रन से हराया था और अब कल इस सीरीज का तीसरा जो मुकाबला है वो खेला जाएगा। और अभी कुछ मीडिया चैनल्स ये रिपोर्ट कर रही है कि भाई ज्यूरिंग मैच 90% बारिश होने के इम्कानात है। तो मैं आपको बताऊं कि ऐसी कोई खबर नहीं है। हालांकि जो दिन में टेम्परेचर है या दिन में जो प्रेडिक्शन की गई है 80 से 90% बारिश होने के इम्कानात है, लेकिन जिस वक्त पर मैच शुरू हो जाएगा यही प्रेडिक्शन फिर सिर्फ 40% रह जाती है और फिर 30% रह जाती है। फिर 7 और 8 जब बच जाएंगे यानी जब मैच शुरू हो जाएगा उसके बाद क्लाउड कवर रहने वाला है और बारिश की कोई प्रेडिक्शन नहीं है। और उम्मीद करेंगे कि कल हमें ये मुकाबला देखने को मिलेगा। अगर दिन में जैसे मैंने कहा कि 80 से 90% बारिश होने के इम्कानात है, अगर दिन में ज्यादा बारिश हो जाती है और जो पिच है वो ज्यादा गीला हो जाता है, ऐसा भी हो सकता है कि पूरा मैच वॉश आउट हो जाए। लेकिन जिस तरह से हमें लीड्स में पहले ही पता था कि भाई ज्यूरिंग मैच भी पहले ही बारिश थी और पूरा दिन वहां पर बारिश हो रही थी, ऐसा नहीं है। जब मैच शुरू हो जाएगा तब उतनी ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं है, सिर्फ 40% है और उसके बाद 7, 8, 9 बजे के बाद कोई प्रेडिक्शन नहीं है। अब ये मुकाबला आप कहां पर देखेंगे, तो भाई आपको मैं बताना चाहूं, अगर आप इंडिया से मैच देखना चाहते हैं आप सोनी लियू पर देख सकते हैं, आप फैन कोड पर देख सकते हैं। वही अगर आप पाकिस्तान से मुकाबला देखना चाहते हैं तो आप पीटीवी स्पोर्ट्स पर ये मैच देखें। अब अगर कल का जो मैच है वो अगर बारिश की वजह से ऐसा पॉसिबल है कि वो रद्द हो जाता है तो फिर भाई साहब एक ही मैच बचेगा, यानी अगर वो पाकिस्तान हार गया तो सीरीज हार जाएगी और अगर वो पाकिस्तान जीत जाता है तो 1-1 से सीरीज बराबर हो जाएगी और फिर उसके बाद ही वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। और हम उम्मीद करते हैं कि कल का जो मुकाबला है उसमें बारिश खलल ना डाले और हमें पूरा मुकाबला देखने को मिलेगा। और वही साथ ही साथ अगर पाकिस्तान के भाई साहब बल्लेबाजी की बात करें तो पाकिस्तान को बड़े इंटेंट के साथ खेलना पड़ेगा, क्योंकि आप एक बड़ी टीम के अगेंस्ट क्रिकेट खेल रहे हैं और इंग्लैंड के खिलाफ भाई अगर आप 184 रन पे आपने उनको मतलब रोका है तो वो आपकी एक बेहतरीन बॉलिंग थी आखिर में, वरना वो स्कोर दूसरे मैच में 210-220 रन चला जाता था। आपने अच्छी बॉलिंग की थी लेकिन फिर 184 रन बनाते बनाते भाई साहब आप काफी ज्यादा थक गए और सैम अय्यूब काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, गेंदबाजी में शादाब खान स्ट्रगल कर रहे हैं और आखिर में जहां पर फिनिशर्स का काम था, क्योंकि 24 गेंद में शायद 40-42 रन करने थे तो वहां पर इफ्तिकार अहमद को चाहिए था कि थोड़ा बहुत वो कंट्रीब्यूट करे। 16 रन एक ओवर में आए थे, फिर एक गलत शॉट खेलकर वो आउट हो गए। साथ ही साथ सैम अय्यूब को भी भाई साहब रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलना पड़ेगा, अदरवाइज आपको जल्दी फखर जमान और रिजवान पाकिस्तान के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैं भी यार चाहता हूँ, फखर जमान एक ऐसा बल्लेबाज है जो दमखम रखता है पावर प्ले में छक्के चौके मारने की, और फखर जमान को आप नंबर 4 पर खिलाते हैं फिर पूरा दायरा खुल जाता है और कैच आउट होने का ज्यादा खतरा होता है फखर जमान को, क्योंकि रिस्की शॉट काफी ज्यादा खेलते हैं और ज्यादातर वो गेंदे हवा में मारते हैं। इसलिए फखर जमान को चाहिए था कि अगर आप ओपन खिलाए तो फखर के लिए एक अच्छी बात थी। फिर अगर बाबर आजम आ जाते हैं, उस्मान खान हालांकि कल शायद आपको खेलते हुए नजर आएंगे, साथ ही साथ कल नसीम शाह भी शायद आपको खेलते हुए नजर आएंगे और शहदाब खान कल ड्राप होंगे जिस तरह से अभी खबर आ रही है, और अबरार अहमद को फिलहाल इन किया जाएगा। मजीद क्या खबर रहेगी या वेदर के हवाले से किस तरह की कोई अपडेट अगर आती है तो आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। फिलहाल आप मुझे इजाजत दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।